मैं हूं अली अब्बास। तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पे। सबसे पहले अपना आपका परिचय जानना चाहेंगे और इस फिल्म आज मुहूर्त होने जा रहा है फिल्म का क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है और किस प्रकार का किरदार है, अगर आपके किरदार की बात करूँ इस फिल्म में तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना मराठी में बोल सकते हैं कि हिंदी में बोलूँ? हिंदी में बोलिए। चलो, मैं जब उम्र 5 का था तब से मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तो हमारा हमारा गुरुजी ने मेरे को चूज दिया। मेरा नाम क्रिजोलॉगस है लेकिन हमको क्रिस पुकारते हैं। तो जब मैं छोटा था तब मैं जरा सा गोरा था तो उसने क्या किया, हमारा एक टीचर ने दिखाई देते हैं तो उसने क्या किया कि तुमको मैं ऐसा चूल्हे का जो राख बनाता है ना वो लगाएगा, एक झोली देगा और तुमको एक गाना सिखाऊंगा। उस टाइम का एक गाना था और उस टाइम जो अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के टाइम जो गाना था उस गाने के जो धुन थे उसके ऊपर उसने एक गाना बनाया और मेरे को बोला कि तुम एक बाजू में मेरा क्लास टीचर, एक बाजू में मेरा इंस्पेक्टर जो गाना गाने को मेरे को बोला था। वो उसने क्या किया, वो जो गाने के जो शब्द थे वो कंपोज किया और मेरे को बताया कि बुधवार को उसने मेरे को बोला और सैटरडे को हमारा सातवीं का जो सेंड अप रहता है उसके प्रोग्राम में बोलने का है। तो मैं बोला हाँ बोलूँगा। उस टाइम मैं जरा ब्रिलियंट था तो मैं क्या बोला कि कौन सा गाना बोलो और उसने खाली दो बार मेरे को बोल के दिखाया, गरीब में घेऊन फिर तू हाथी ही जोड़ी, गरीब में नाही मानले आईचे तोडून धागे अब्रुचे जडले व्यसन दारूचे, ओ गरीब मी घेऊन फिरतो हाती ही जोळी। तर त्याच्यामध्ये असं आहे की त्याने कोणाचंच मानलं नाही आणि तो दारू प्यायला लागला आणि त्यामुळे त्याला दारूचं व्यसन जळलं आणि त्याच्यातून तो गरीब झाला आणि मग भिक्षा मागायला लागला असं मी ते दाखवलं। आणि त्यावेळेला त्या सेंडअपसाठी जेवढा खर्च व्हायचा होता त्यावेळेला एक सर आपल्या चित्रपटाबद्दल सांगा। हां तर सर जी जीवनी मत सुनाइए, आप फिल्म के बारे में बताइए, डायरेक्टर के बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में। उस टाइम हुंडा पद्धति जो थी तो उसके ऊपर एक ऐसा आया था कि हुंडा नहीं देंगे तो शादी नहीं बन सकती थी। तो गरीब एक फैमिली दिखाई दिया उसका राइटिंग मैंने किया था, दिग्दर्शन डायरेक्शन मैंने किया था। उसमें छोकरी का पिताजी मैं था
तो एक बार ऐसा हो गया कि छोकरी का पिताजी क्या होता है, छोकरी का पिताजी यानी कि ये जो हमारी छोकरी दिखाई दी लड़की वाली, तो उसको बहुत टेंशन आया था कि पैसा नहीं है, और को टेंशन आया था कि छोकरी के बाप को टेंशन। अरे मैं बोल रहा हूँ कि तुम क्वेश्चन बोलो, उसका आंसर भी मैं बताता हूँ। अपन आते हैं फिल्म पे, आते हैं फिल्म पे आते हैं, फिल्म के बारे में बताइए और अपने किरदार के बारे में बताइए। तो उस टाइम मैंने जो हमारे गांव में किया सर ने दिया था, उसी जगह प्रिंसिपल का जो बोलने का जो है वो बोलूं सब वही बोलना था आपको। मैंने क्या है ना, अभी मेरे को उसने बताया नहीं कि आज वो होने वाला है, मेरे को क्या लगा नहीं ऐसा है क्या। हेलो कैरेक्टर गॉट प्लेइंग इन द माया, दिस इज वी आर आस्किंग फ्रॉम यू। नहीं सर, अली सर प्रिंसिपल का रोल निभाऊंगा, और हमारे अली सर ने जो जो कुछ बताया उससे 100 गुना अच्छा बताऊंगा बस। ममता गाड़ेकर हैं, मैं नेरुल से आई हूँ, और मैं मेरी स्टार्टिंग में तो मेरी बेटी को लेकर आई थी, लेकिन अली सर ने मुझे मुझे कास्ट कर लिया, बोला मैम आप बहुत अच्छा करती है, आपकी बेटी से भी अच्छा आप देख कर रहे हैं, तो आप ही ये हो जी। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो आप बोल रहे, तो फिर बाद में उसको भी ले लिया, मेरी बेटी को भी लिया। हाँ तो ये फिल्म है माया फिल्म है, माया फिल्म में मुझे हाँ चार लड़कियाँ हैं, और उसमें मैं एक टीचर हूँ, जो स्कूल रहता है जो हॉस्टल रहता है उसमें एक टीचर हूँ, और चार लड़कियाँ रहती हैं। तो है तो डरावनी फिल्म, लेकिन बहुत अच्छी लगेंगी, सब लोग देखेंगे तो बहुत मज़ा भी आएगा, और अली सर भी हमारे साथ है, सूरज सर भी हमारे साथ है, और हम बहुत अच्छे से निभाएंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, बस यही बोल रहे। ओके फ्रेंड, नमस्ते, मेरा नाम सत्यन घासी, मैं पूना से हूँ। मैं अपने लड़के के लिए आया था ख़ास तौर पर यहाँ पर अली सर के पास। तो लोई माफ़ कीजिए, लेकिन साथों साथ अली सर के कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ाने से मैंने भी अपना एक ऑडिशन दिया, और अली सर ने मुझे भी उसमें सेलेक्ट कर लिया, और इसी तरह दोनों बाप बेटे इस माया का बदला ये जो मूवी कास्ट कर रहे हैं अली सर जी, उनमें हमें काम करने का मौका दिया उन्होंने, और हमारे जैसे फ्रेशर्स को काम देना ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो पहले धन्यवाद करूँगा अली सर जी को, और जो भी उन्होंने हमें किरदार दिया है इस मूवी में, मैं पूरी तरह और शिद्दत से उसको निभाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। गाड़ी कर रहे हैं, मैं माया फिल्म में काम करने वाली हूँ, और उन चार लड़कियों में से मेरा एक कैरेक्टर है, एक लड़की का। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि फिल्म को अच्छे से करूँ। मेरा नाम शहजादा आलम है, मैं पुणे से आया हूँ। अली सर ने मुझे ऑडिशन के ज़रिए एक फ्रेशर मुझे एक नया मौका दिया है, जिसमें एक पॉजिटिव इंस्पेक्टर का रोल है मेरा, और मैं इस रोल को बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगा। अली सर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे चांस दिया। ये फिल्म आप देखें, बहुत अच्छी फिल्म है। हाय, मेरा नाम विशाल दोषी है, एंड आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, एंड अबाउट दिस मूवी लाइक अली सर ने जो बनाया है बहुत अच्छा मूवी आई एम श्योर बनाया हुआ होगा, एंड वॉट एवर रोल आई विल बी प्लेइंग आई विल अश्योर दैट आई एम गिविंग माई 100%। थैंक यू। मेरा नाम धनश्री शिवराजभर है, और जोर का शिव शिवराजभर है, मैं डोंबिवली से आई हूँ। अली सर ने मुझे, मैं ऑडिशन के लिए आई थी, तो अली सर ने मुझे फिल्म के बारे में बताया, तो मुझे अच्छा लगा, तो अली सर ने बोला ऑडिशन दे दो, अगर आपका सिलेक्शन होता तो अच्छी बात है, तो मैंने ऑडिशन दिया, अली सर ने सिलेक्शन किया मेरा, और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मतलब हाँ फिल्म में काम मिल सकता है, मैं बस छोटी सी आशा लेके आई थी। अली सर ने इतना बड़ा किरदार दे दिया माया फिल्म में मेरे को, उसमें से चार लड़कियाँ, उसमें से एक लड़की मैं हूँ जिसका किरदार मैं निभा रही हूँ माया फिल्म के,
और अली सर का इस रोल में मुझे करने के लिए अली सर को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ दिल से। मेरा नाम नागनाथ दुर्गुंडे है, मैं परभनी से आया हूँ। जब मैं आया था तो आली सर ने मेरा ऑडिशन लिया और ऑडिशन बेटा तुम अपना इंटरव्यू दो ना यार, मैं नागनाथ हूँ फिल्म में। नागनाथ दुर्गुंडे, मैं परभनी से आया हूँ और मेरे को माया इस मूवी में काम करने के लिए मेरे को सिलेक्ट किया है और मेरा जो कैरेक्टर है वो माया का साइड रोल है। मेरा नाम हनुमान कदम है, मैं नांदेड़ से आया हूँ। मैं इस मूवी में जो भी कैरेक्टर दिया है वह अच्छी तरह निभाऊंगा और सर ने मुझे जो भी काम सौंपा है वो अच्छी तरह से करूंगा। ये वाय आपको देता हूँ और सर का थैंक्स मैं करता हूँ। मेरा नाम जय कुमार है, मैं सीतामढ़ी बिहार से हूँ। मेरा पंचायत रतवाड़ा है, गाँव देवीपुर है। मैं इस माया मूवी में जो भी मेरे को कैरेक्टर मिल रहा है वो मैं अच्छे तरीके से जहाँ से देखूँ मैं अच्छे मेहनत करके मैं निभाना चाहता हूँ, निभाऊँगा मैं। ओके थैंक यू। मेरा नाम अमर सिंह है, मैं बांदा जिला से हूँ। मुझे इस फिल्म में जो भी रोल मिल रहा है काम करने के लिए उसके लिए मैं अच्छे से निभाऊँगा। मेरा नाम ओम घासी, अब देखते हैं मूवी में रोल डिसाइड नहीं हुआ, सर जो भी रोल देंगे ट्राई करूँगा बेस्ट देने का, देखते हैं। जोर से बोलिए, डरिए मत किसी को, डरने का नहीं। मेरा नाम स्वप्नाली है, जो सर कैरेक्टर देंगे वो अच्छे से निभाऊंगा। मेरा नाम रीजा खान है, सर ने मुझे 4 लीड कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर दिया है, मैं 100% देने का ट्राई करूंगी और थैंक्स फॉर अली सर कि मुझे ये मूवी के लिए उन्होंने चांस दिया। मेरा नाम आकाश है, मैं करड़ से आया हूँ और इस फिल्म में मुझे जो कैरेक्टर दिया जाएगा मैं अच्छे से निभाऊंगा और बहुत मेहनत करूँगा। धन्यवाद। मिश्रा है, मैं बदलापुर से आई हूँ, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ लेकिन घर से लोग निकलते नहीं है, काम नहीं करते हैं, लेकिन मैं पहली बार निकली हूँ काम करने के लिए, अली सर ने मुझे चांस दिया, जो भी कैरेक्टर देंगे मैं अच्छे से निभाने की कोशिश करूँगी, थैंक यू। मेरा नाम देवा देशमुख है, मैं नांदेड़ से आया हूँ। सर जो भी कैरेक्टर देंगे वो मैं अच्छे से निभाने की कोशिश करूँगा, मैं मेरा फर्स्ट टाइम है तो अच्छे से निभाने की आई एम द बेस्ट ये कोशिश करूँगा सर। मेरा नाम सनी बलराम रजेगा, मैं कल्याण से आया हूँ और मेरी फर्स्ट मूवी है और मेरी फर्स्ट मूवी, मुझे जो भी कैरेक्टर मिलेगा मैं अच्छे से करूँगा। नमस्ते जी, मैं हैदराबाद से आऊँ, मेरा नाम मोहम्मद हसैन है जी। ये माया फिल्म में मुझे भी सेलेक्ट किया गया है और सर जो भी मुझे एक्शन देंगे मैं अच्छे से निभाऊँगा। मेरा नाम विवेक करवे, मैं नागपुर से आया हूँ। मुझे इस मूवी में जो भी किरदार मिलेगा मैं उसको अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करूँगा और अपना बेस्ट दूँगा। मेरा नाम जील है, मैं गुजरात से आया हूँ और मुझे इस रोल में जो भी रोल मिलेगा वो मैं अच्छे से निभाऊंगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट। धन्यवाद। मेरा नाम अमूल सांगवे है, मैं कंदिवली से, और जो सर आप मेरे को कैरेक्टर देने वाले मैं पूरी तरह मेहनत से करूँगा। मेरा नाम सिद्धार्थ रंदीवे, मैं दुलिया से हूँ। सर ने मुझे माया मूवी में चांस दिया, जो कैरेक्टर मुझे मिलेगा वो मैं अपना बेस्ट दूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस फिल्म के लिए, आज मुहूर्त हो रही है थैंक यू का बदला, थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस माया का बदला, किसका बदला, कौन लेता है, किससे लेता है, क्या कुछ बताएंगे इस फिल्म के बारे में? बिल्कुल बताऊंगा सर, सस्पेंस है, थ्रिलर है और बहुत क्यूट स्टोरी है। बाकी अगर स्टोरी बता दूंगा तो थिएटर में कोई जाएगा नहीं। हाँ तो शॉर्ट में एक बता देता हूँ, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। ओके अली भाई, कैसे कहानी की अगर बात करें तो कैसे जहन में आया, कुछ कोई किसी से इंस्पिरेशनल है या क्या कहते हैं कि रियल लाइफ पे बेस्ड है ये कहानी, क्या कुछ बताना? एक्चुअली मैं थका हुआ हूँ, सुबह से शूटिंग में था, अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ लेकिन नींद आ रही है मुझे। मैं ना सपने में एक चीज़ देखता था कि न्यूज़ ज़्यादा देखा करो, तो मैं रोज़ सुबह में न्यूज़ देखता हूँ तो न्यूज़ में कहीं की कहीं क्या खबर, कहीं ये खबर, तो मैंने सबको मिक्स करके एक बना दिया। चलो यही करते हैं। तो फिल्म माया का बदला क्यों, न्यूज़ का बदला बता दो सर। न्यूज़ का बदला अगर बोल देता तो आप लोग मेरे पीछे पीछे आ जाते सर।
और कब शूट पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जाएंगे न्यू ईयर से निकलेंगे इंशाल्लाह। डिसाइड हुआ है? अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया, लेकिन न्यू ईयर से हम लोग निकल जाएंगे। मैडम आप बताएं इस फिल्म के बारे में और क्या कुछ किरदार है आपका, कितने एक्साइटेड हैं आप इस फिल्म? मेरे इस फिल्म में किरदार टीचर का है, हॉस्टल के टीचर। और ये हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं सूरज भारती, और मैं इस फिल्म में किरदार कर रही हूँ, तो जितना अच्छा दे सकूँगी उतना। इतनी घबराई क्यों? एक्चुअली सर वो फर्स्ट टाइम है ना, कभी मीडिया के सामने बैठी नहीं है, तो थोड़ा नर्वस है। तो आप एक्साइटेड तो हैं ना? एक्साइटेड हूँ। टीचर कभी रियल लाइफ में टीचर बने? टीचर का मार मार खाए कभी स्कूल में? हाँ। तो आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं टीचर का किरदार अच्छा करूँ? हाँ कॉन्फिडेंस है। कैसे कॉन्फिडेंस? अभी तो करना चाहूंगी, मैं पहली बार है लेकिन करना चाहूंगी। सर हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज भारती, और मैं और अली सर हम लोग काफ़ी पुराने फ्रेंड्स रहे हैं, और इससे पहले भी हम लोग ने लव इन टास्क कंप्लीट किया हुआ है, और यहाँ लव इन टास्क के काफ़ी लोग मौजूद भी हैं। आप लोग से भी फर्स्ट टाइम रूबरू तो हो नहीं रहा हूँ, काफ़ी पहले भी हो चुका हूँ ऐसा। देन हम लोगों की एक जोड़ी है ऐसी कि हम चाहते हैं हाँ कि कुछ एक्स्ट्रा हो हॉरर में ऐसा। अच्छा। और दोनों का थॉट चलता है, दोनों मिलकर ही काम करते हैं, और ये एक हॉस्टल के ऊपर। सर एज ए कोरियोग्राफर, मैंने कोरियोग्राफी में 15 साल दिया है। मेरी एक फिल्म रिलीज है हॉरर नाइट, ऑल इंडिया रिलीज किया था, और दो फिल्में और कंप्लीट है हम लोग की। देन 2020 में रिलीज की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, और माया का बदला, अभी माया किससे कितना बदला लेती है ये तो शूटिंग के दौरान देखेंगे, और आप लोग भी देखेंगे फिल्म रिलीज होने के बाद कि क्या क्या सीक्वेंस है, कैसे कैसे डरावने सीन्स वगैरह हैं, थ्रिल है, मर्डर मिस्ट्री है, केवल इफेक्ट्स वगैरह ज़्यादा हैं, वी एफ एक्स के शॉर्ट्स ज़्यादा हैं इसके अंदर में। और आप और कुछ पूछ सकते हैं तो पूछिए। हाँ वही कह रहा था कि कुछ कब तक ये दर्शक देख पाएंगे फिल्म को, और क्या कुछ अपील करना चाहेंगे माया का बदला जब लगेगी तो दर्शक क्यों जाएं देखने? डेफिनेटली सर, 4-5 रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, मर्डर मिस्ट्री के साथ रोमांटिक फिल्म भी है ये, और आज के जनरेशन जो यंग जनरेशन है वो यही देखना चाहते हैं ऐसा। ज़्यादातर लोग कपल ही जाते हैं सिनेमा हॉल में, चाहे वो टाइम पास के लिए जाए या फिर इंटरटेनमेंट के लिए जाए, और फुल इंटरटेनिंग फिल्म है हमारी माया का बदला। अली जी कुछ ऐड करना चाहेंगे चलते चलते? सर मैं तो यही बोलूँगा कि सूरज जी शूटिंग से भी थक थका के आए, मेरा साथ दिया, इनके लिए बहुत बहुत थैंक्स मैं बोलता हूँ। इनके बगैर मैं अधूरा था, मैं देख रहा था, और मैंने एक बात सोची भी, यार मेरी जोड़ी तो आई नहीं अभी तक, तो मैं नहीं आता स्टेट में, सही बता रहा हूँ आप, जोड़ी आई मैं आ गया। आपका भी थैंक यू, सूरज जी का भी थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास, तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों पर।